जो इतना बड़ा आयोजन इन्वेस्टमेंट मीट हो रही है, हमें खुशी है कि इन्वेस्टमेंट आए। मैं बाबा से भी प्रार्थना करूंगा कि बीजेपी के लोगों की कोई बात झूठी ना निकले। मैं बाबा से एक बार फिर प्रार्थना करता हूँ, एक मिनट, मैं बाबा से फिर प्रार्थना करता हूँ उनके स्थान पे खड़ा होकर के कि भारतीय जनता पार्टी की कोई बात झूठी ना निकले। आज हमारा यहाँ पर था जेल में मिलाई करना आज की यादव से, और जो भी यहाँ पर बंद थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता झूठे केसों में फंसाए गए हैं उनसे मिलाई करना था। हमने दो दिन पहले टीम को पत्र लिख के दिया था हमें मिलाई करेंगे, लेकिन कल पता चला, आप लोगों के ही माध्यम से पता चला, क्योंकि मैंने डीएम को जेल अधीक्षक को भी पत्र लिखा था, उनकी तरफ से मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया गया। और पता चला कल दोपहर के बाद पता चला कि आर पी यादव को यहाँ से सुल्तानपुर ट्रांसफर कर दिया गया। तो देखिए सीधा सीधा ये प्रजातंत्र का सीधा सीधा, जबकि जनप्रतिनिधियों को विधायक एमपी सबको अधिकार है ये जेल में कभी भी मिल सकते। शिवपाल यही नहीं रुके बल्कि और फायर हुए कि सपा के नेताओं कार्यकर्ताओं को फर्जी तौर पर फंसाया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है, और झूठे केसों में समाजवादी पार्टी के लोगों को लगातार, आपको तो यहाँ पता ही होगा हमारे पास भी सूची है, आर पी यादव के अलावा सोनू के अलावा और भी हैं, कई लोगों को झूठे केसों में फंसा दिया है सीधा सीधा समाजवादी पार्टी। अब जो नेताजी ये बताएं कि एक डिप्लोमा करने वाला जो स्टूडेंट है, छात्र है, क्या उसकी हत्या करना उचित है? जिस लड़के की हत्या हुई जिसमें जिस आरोप में आर पी यादव गए, क्या उचित है? अच्छा हत्या केस, उसकी जांच क्या सवाल है? जांच क्या सवाल है? किसने मारा है, कैसे मारा है, ये भी तो सवाल है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो लगा, उसकी जांच करना चाहिए। अगर जांच में सही अगर किसी ने मारा है तो उसे जेल भेज दो, और फिर अदालत सजा देगी उसे। तो क्या लगता है बिना जांच के ही जेल?